से बेटी को काई रघु आके खोल रघु आके खोलो रघु आके खोलो रघु रघु देखो हमें प्लीज आके खोलो प्लीज रघु कुछ कीजिए ना ये आगे क्यों नहीं खोल रहा है ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है रघु आगे खोलो रघु ऐसे कैसे कर सकता है तू चल पीसों की खातिर अपनी जान को जोखिम में डाल देगा ऐसा करेगा तू देवी जी मर बेटा आगे खोल मारा बेटा आगे खोल और आप कहीं करो ना इसका आप इसको हो पिलाओ ना अरे इसको तैरना भी नहीं आता है इन्होंने हमें बता ही नहीं था कि इन्हें तैरना नहीं आता आप प्लीज शांत हो जाइए संभालिए अपने आप को हम सब कोशिश कर रहे हैं ना अरे कोशिश नहीं मारे बच्चे को होश में लाना पड़ेगा नहीं तो मैं थारे को होश में लेके आ जाऊंगा मैं थारी जान से मार डालूंगा बाबूजी संभालिए अपने आप को इनका कॉलर पकड़ने से रघु भैया थोड़ा होश में आ जाएंगे अभी हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि रघु भैया कैसे होश में आएंगे ये हमारा बच्चा है ये हमारा बेटा है रघु इस मौत के खेल में तो कई लोग मर चुके हैं इस खेल में हारने का मतलब है मौत लगता है ये तो हार गया कौन बोला ये किसने बोला ये निकलो सबके सब बाहर निकलो कुछ नहीं होगा रघु को कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा हमारे रघु को कुछ नहीं होगा हमारे रघु को रघु रघु आके खोलो रघु रघु बात करो हमसे रघु आके खोलो ना रघु देखो हमें रघु प्लीज आके खोलो मैडम मुझे लगता है शायद इनके विंड पाइप में पानी चला गया ये ऐसे होश में नहीं आएंगे इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल ले जाने में तो बहुत देर हो जाएगी अब प्लीज कोई और रास्ता बताइए ना इनको प्लीज एक बार होश में लेकर आइए प्लीज मैडम इनकी विंड पाइप में पानी भर गया है आप समझने की कोशिश कीजिए इनको होश में लाने का एक ही तरीका है कि इनको मुंह से सांस दी जाए या फिर इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो रुकी
हमें। रघु भैया, मारा बेटा रघु, भगवान का लाख लाख शुक्र कि हमारे भाई को होश आ गया। रघु भैया ये कैसे हो? रघु भैया, रघु मारा बेटा, अरे पीसों की खातिर ऐसा करने का, अपनी जान को जोखिम पर डाल, वो तो भगवान का शुक्र है। ये तो काई होता, ये कभी सोचा तूने? तारी माँ को पता चल जाएगा वो तो रो रो के मर जाएगी ना। अच्छा मारे को एक बात बता, यो कदम उठाने के लिए किसने मजबूर किया थारे को? मारे को एक बार बता दे, मैं उसके हाथ में तोड़ दूंगा। क्या हुआ रघु? कहीं दर्द हो रहा है रघु? रघु बताओ हमें, रघु। भाई इस खेल में असली जीत तो लड़की की हुई है। जो मौत के मुंह से उसे खींच लाई। मैं बताता हूं थारे को काई तकलीफ है मारे रघु से। थारे को यो कोनी बर्दाश्त हो रही है कि मारा बेटा भी माली साह की जायदाद का हिस्सेदार है? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात है, एक तरफ आप है बेबी जी, जो पीस होगी खातिर मारे बेटे को मौत के मुंह में धकेल दियो। ऐसा मत कहिए प्लीज, ऐसा ही है। और एक मारा बेटा रघु, जिसे लाख बार समझाने के बाद भी मालिक शाह की जायदाद का अपना हिस्सा तारे नाम पर करने पर तुड़ा हुआ है। यो फर्क है थारे में और रघु में। शरम आनी चाहिए थारे को बेबी जी। बस करिए बाबू। दो दिल बंधे
बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। जो भी हुआ उसमें बेबी जी की कोई गलती नहीं है। आप लोग इन्हीं की सुना रहे हैं। ये लोग सही कह रहे हैं। जी जो कुछ भी हुआ है सिर्फ हमारी वजह से हुआ है, ये सारी गलती हमारी है। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए है रघु, प्लीज हमें माफ कर दो। रघु जी क्या कर रही हैं आप? प्लीज हमें माफ कर दो। बेबी जी प्लीज उठिए, आपको कुछ मालूम भी नहीं था, आपको सच नहीं पता था, आपकी गलती नहीं है इसमें। नहीं रघु, जब तक तुम हमें माफ नहीं करोगे हम नहीं उठेंगे। बेबी जी समझ करिए, मैंने आपको माफ किया। बेबी जी आप प्लीज उठिए, हमें माफ कर दो रघु। बेबी जी इसकी कोई जरूरत नहीं। आप बेबी जी आज आपके पछतावे ने मेरी आंखें गीली कर दी। चलो भैया अब अपने घर चलो। नहीं बेला आप सब लोग जाओ, मैं गोविंद जी से मिलने के बाद बेबी जी के साथ हवेली जाऊंगा। ते ऐसा कुछ नहीं करोगे भैया। ते हवेली को नहीं जाओगे। बहुत सह लिया हम लोगों ने, अब और नहीं। अब हमें किसी के एहसानों की कोई जरूरत नहीं। और वो जायदाद जाती है चूल्हे में तो जाए, बड़ी कोई मतलब नहीं। बेला जिद मत कर, मैं बेबी जी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर अपने भाई की हिफाजत करना जिद है तो जिद ही सही, पर मैं था को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं अब था को किसी और मुसीबत में जाते हुए नहीं देख सकती, और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है इस बेबी जी पर। तुम्हारे साथ घर चलो बस। नहीं दीदी, दीदी हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जी, आप क्यों बार-बार? हमें रघु को गोविंद जी के बेटे के इलाज के लिए पैसे दे देने चाहिए थे, लेकिन दीदी बीबी जी हमें बस एक मौका दीजिए, एक मौका दे दीजिए हमें अपनी गलती सुधारने का। रघु को हमारे साथ हवेली जाने दीजिए। अगर हमें ये मौका नहीं मिला गलती सुधारने का तो हम कभी भी खुद से नजर नहीं मिला पाएंगे। अभी भी नहीं। दीदी आज तक रघु ने हर कदम पर हमारा ख्याल रखा है, हम आपसे वादा करते हैं दीदी अब से हम रघु का ख्याल रखेंगे। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। बेला अगर रघु भैया हवेली में जाना चाहते तो उन्हें जाने दो ना, बेबी जी का पछतावा एकदम सच्चा है।
कम से कम उन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए तुम्हें। फिलहाल मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं। तू घर जा और प्लीज मां से कुछ मत कहना, वो चिंता करें। चढ़ चढ़, आजा चढ़। अच्छा बेबी जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा रघु भैया। आओ निशी, चलो बेला। बाय रघु मामा, बाय बीबी जी, मामी जी। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से। दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, माफ करने के लिए थैंक्स अ लॉट। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम पर एक बार फिर से भरोसा करके हमको कितनी खुशी हो रही है। मैं समझ सकता हूं बेबी जी, लेकिन आप ये सब मत सोचिए, जो भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। आइए चलिए, वो गोविंद जी से मिलना। रघु जी आप आ गए। अरे गोविंद जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। मैं कैसे आपका शुक्र अदा करूं? गोविंद जी क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का ऑपरेशन एकदम सफल हुआ, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। गोविंद जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने मेरे बेटे के साथ साथ मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। नहीं गोविंद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कितनी बार आपके बारे में पूछ चुका है, प्लीज आइए। चलिए बेबी जी आइए। रघु रुको, तुम्हारे सर से तो अभी भी खून बह रहा है। चलो चलिए, जल्दी चल के ड्रेसिंग करवाते हैं। चलो बेबी जी, लेकिन रघु कुछ नहीं, बहुत गहरी चोट है, कहीं और खून ना तो। चलो अभी चलो। हाँ बेबी जी, लेकिन नहीं, आप पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ चलो। रघु घबराने की कोई बात नहीं है, बस छोटी सी चोट है, सिस्टर 2 मिनट में अभी ड्रेसिंग कर देगी। तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम डरना मत। बीबी जी, डर मैं रहा हूँ कि आप डर रही? आप चिंता मत करिए। अब जरा ध्यान से सिस्टर। ये तो बहुत ही गहरी चोट है रघु,
प्लीज आराम से। सिस्टर, सिस्टर इससे दुखेगा तो नहीं? मैडम आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। अब लेकिन इससे जलन तो होगी ना? बेबी जी, अभी तो आप कह रही थी कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मुझे डरना नहीं है। अब आप डर रही हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं। आप हम नहीं देख सकते रघु, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बेबी जी मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, क्या हुआ आपको? और जलन? बेबी जी मुझे जलन भी नहीं हो रही। आप जी आप एक काम करिए, आप ये देख नहीं पाएंगे, आप एक काम करिए बाहर जाके बैठ जाइए। मैं बस अभी करवा के आता हूं, आप बैठ जाइए ना बाहर। नहीं रघु, अब हम कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे।